प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने को लेकर परासिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को नगर पालिका के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि जो लोग कई वर्षों से कच्चा घर बनाकर किसी स्थान में रह रहे हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए। परासिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा इस कुलांचल में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि परासिया में सबसे अधिक शासकीय जमीन है, जहां कई बेसहारा व गरीब परिवार के लोग कई सालों से निवास तो कर रहे हैं पर उनके पास आवास का पट्टा नहीं है। युवा मोर्चा का कहना है कि जो भी गरीब परिवार के लोग यहाँ कच्चे मकान बनाकर रह रहे हैं उनको भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंतर्गत 2,67,000 रुपये हितग्राही के खाते में डाले जाते हैं। हमारे परासिया नगर पालिका क्षेत्र में ये हो रहा है कि जिनके पास रजिस्ट्री है मकानों की केवल उनको आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, और कुछ ऐसे मकान हैं जो जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है और उनका नगर पालिका रजिस्टर में केवल नाम दर्ज है, वे नगर पालिका में टैक्स पटाते हैं लेकिन उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और बाकी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में, चाहे वो नरसिंहपुर हो, गोटेगांव क्षेत्र हो, कटंगी हो या फिर छिंदवाड़ा नगर निगम ही क्यों ना हो, ऐसी जगहों में उन लोगों को भी आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है जो नगर पालिका में टैक्स पटाते हैं और जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।